जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज हम 24 दिसंबर 2022 का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बहुत दुखी खबर है, हमारे इंडियन आर्मी के 16 जवान शहीद हो गए। हम उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, ये जेमा नॉर्थ सिक्किम में हुआ है। मैं आपको ये मैप दिखा दे रहा हूँ। ये जेमा का एरिया है, ये हमारा सिक्किम है और ये इधर भूटान है। ये गैंगटक है सिक्किम की कैपिटल, और ये एरिया हमको पता होना चाहिए। इधर चाइना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है लाचेन के पास है, लाचेन एरिया के पास है, 133 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल गैंगटक। अब जनवरी से एक साल के लिए गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन्स को फ्री कर दिया है। इसमें क्या है दोस्तों कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया विल हैव अ सेंट्रल फूड सिक्योरिटी लेजिस्लेशन व्हिच गिव्स पुअर अ राइट टू रिसीव 5 kg फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अर्लियर द पुअर अबाउट 81.34 करोड़ पीपल कंप्राइजिंग 75% लिविंग इन रूरल एरियाज एंड 50% इन अर्बन एरियाज पेड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ 3 per kg फॉर राइस एंड 2 per kg फॉर वीट। द डिसीजन सॉफ्टेंस द ब्लो पुअर में सफर विद PM गरीब कल्याण अन्न योजना बींग डिसकंटिन्यूड बाई द एंड ऑफ द मंथ। अंडर PMGKY द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 5 kg फूड ग्रेन्स फ्री ऑन द टॉप ऑफ NFSA एंटाइटल 5 kg। अब दोस्तों, NFSA जो कि 2013 में सरकार ने NFSA लाया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके अंडर में जो भी गरीब लोग हैं उनको 5 kg पर पर्सन पर मंथ बहुत सस्ते में 2 रुपये per kg और 3 रुपये per kg के हिसाब से फूड ग्रेन्स मिलते थे। लेकिन कोविड के दौरान नया एक स्कीम लॉन्च हुआ जो कि जिसका नाम था PM गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके अंतर्गत जो ये 5 kg मिलते थे, इसके अलावा 5 kg एडिशनली मिलने लगे और ये फ्री में मिलते थे, तो 10 kg पर पर्सन मिलने लगा था। अब ये वाला डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, लेकिन जो 5 kg पर पर्सन मिलता था इसको फ्री कर दिया गया है एक साल के लिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक साल के लिए फ्री कर दिया गया है। जो 3 kg 3 per kg और 2 per kg मिलते ले लिया जाता था NFSA के अंडर में, वो नहीं लिया जाएगा। बस यही खबर है। उसके बाद दोस्तों, चार्ल्स ओब्राज रिलीज हो गए हैं, और तो फ्रंट पेज पे कुछ खबर है नहीं। अगर आपने वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो आप वैक्सीन लगवा लीजिए। आप इंट्रानेजल वैक्सीन भी लगा सकते हैं, अप्रूवल मिल गया है। और एक ये खबर थोड़ी सी है, इसमें यह है कि गमीबिया में 70 किड्स की डेथ हो गई थी, और एलेज किया गया कि इंडिया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका कप सिरप पीने की वजह से इनकी डेथ हुई थी। लेकिन भारत सरकार ने जो है, इंडियन अथॉरिटी ने कंपनी को क्लीन चिट दे दी। लेकिन अभी जो है गमीबिया के नेशनल असेंबली में एक जो है कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करी है, जिसमें इस कंपनी को कसूर और माना गया है और इस पर बैन और पेनल्टी की बात करी गई है। तो इंडिया में ड्रग्स बहुत मैन्युफैक्चर होते हैं, उस पर रेगुलेशन के लिए ये एग्जांपल हम दे सकते हैं कहीं। वैसे अगर इंडिया ने क्लीन चिट दिया है, इंडियन अथॉरिटी ने, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर एग्ज़ाम में आपका पेपर आ जाए तो आप ये मत लिखिएगा, क्योंकि भारतीय अथॉरिटीज़ ने इन्हें क्लीन चिट दे दी है। फिर हम आते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे दिल्ली की खबर है, कुछ काम का नहीं UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बार थोड़ी सी हम ब्रीफ में बात कर लेंगे OROP की, क्योंकि कैबिनेट ने रिवीजन्स की बात करी है OROP में। OROP का मतलब वन रैंक वन पेंशन, और तो इसमें दोस्तों वन रैंक वन पेंशन एट एन एंड इसमें जो है एडिशनल कॉस्ट लगेगा 8,450 करोड़ और 23,630 करोड़ का एरियर्स है। मतलब ये पहले का जो बकाया है वो दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट्स में पेंशनर्स को, और 8,450 का एडिशनल कॉस्ट सरकार को लगेगा। ये जो रिवीजन किया गया है OROP में, अब OROP में रिवीजन मतलब किया गया है कि बढ़ाया गया है कि टाइम के हिसाब से इसको, तो इतने एडिशनल कॉस्ट सरकार को लगेगा। अब OROP क्या है एक ब्रीफली जान लेते हैं। पेंशन ऑफ द पास्ट पेंशनर्स वुड बी रीफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशंस ऑफ डिफेंस फोर्सेज रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर 2018 इन द सेम रैंक विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस। ये है
इस क्राइटेरिया के हिसाब से ओआरओपी फिक्स करा गया है कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में अगर कोई सेम रैंक पे और सेम टाइम, मतलब कोई 20 साल की सर्विस करके मान लीजिए, और सेम रैंक पे मान लीजिए कि लेफ्टिनेंट के रैंक पे कोई रिटायर हो रहा है, तो जो सबसे मिनिमम होगा और जो सबसे मैक्सिमम होगा उसका जो एवरेज होगा उस एवरेज को ही पेंशन माना जाएगा। ये बहुत पुरानी खबर है दोस्तों, आरोपी तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले पेज पे भी इसमें पार्लियामेंट का सेशन कंक्लूड हो गया, प्रोडक्टिविटी अच्छी रही, डिसरप्शंस कम रहे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं काम की बात। फिर हम आ जाते हैं अगले पेज पे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब हम फटाफट एडिटोरियल पेज पे आते हैं, कोविड इंस्पेक्टर G20 चेयर में कोविड का इशू भारत को रेज करना चाहिए, क्या कर सकते हैं इस पर बात करके, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक ये हम बात करते हैं कि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था कि शशि थरूर, उनके पैर में कुछ फ्रैक्चर हो गया था, उन्होंने ये इशू रेज करा कि पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है डिसेबल फ्रेंडली नहीं है। तो इस पर राहुल बजाज जी ने आर्टिकल लिखा है कि डिसेबल फ्रेंडली बिल्डिंग्स के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है दिसंबर 2021 में इन्होंने एक सीरीज ऑफ रिकमेंडेशन सर्च करी थी पार्लियामेंट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी, प्राइड को। प्राइड क्या है दोस्तों? पार्लियामेंट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डेमोक्रेसी, इसको इन्होंने अपने रिकमेंडेशन सर्च दी थी इन्होंने, राहुल बजाज ने। क्या था? माई सजेशंस इंक्लूडेड हैविंग एन एक्सेसिबिलिटी कमेटी इन पार्लियामेंट टू अटेंड टू द एक्सेस नीड्स ऑफ द डिसेबल्ड। एक्सेसिबिलिटी कमेटी पहली बात बनाना चाहिए। दूसरा क्या है? प्रोवाइडिंग साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन फॉर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एंड ऑर्डरिंग एन एक्सेसिबिलिटी ऑडिट ऑफ पार्लियामेंट्स वेबसाइट। पार्लियामेंट की वेबसाइट हो और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हो, उनको डिसेबल्ड लोग समझ सकें, सुन सकें, समझ सकें बेसिकली, तो उसके लिए जो है उसके लिए भी मतलब काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस बारे में कोई इनकी रिकमेंडेशन मानी नहीं गई और कोई मूवमेंट हुआ नहीं। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन AIC टू मेक द बिल्डिंग एनवायरनमेंट, ICT इकोसिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मोर डिसेबल फ्रेंडली। 2015 में ये आप एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन AIC। अब वल्नरेबल सेक्शन है ये हमारे GS Paper 2 में है, इसमें आप ये सब यूज़ कर सकते हैं कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन AIC लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा, AIC लॉन्च किया गया था 2015 में बिल्डिंग एनवायरनमेंट, बिल्डिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए, डिसेबल फ्रेंडली बनाने के लिए। ICT का मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, बेसिकली एप्स वगैरह और जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होता है उसको इनेबल करने के लिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को डिसेबल फ्रेंडली बनाने के लिए ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 ये पास किया गया था 2016 में, इसी को मद्देनजर रखते हुए इसमें जो है उन्होंने बताया कि स्टेट्स दैट एज अ जनरल रूल ऑल एग्जिस्टिंग पब्लिक बिल्डिंग्स शैल बी मेड एक्सेसिबल विद इन 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर सारी पब्लिक बिल्डिंग्स को डिसेबल फ्रेंडली बनाना था, और रूल्स के प्रोमल्गेशन के बाद इसके लिए रिलेवेंट रूल्स जिनका नाम था हार्मोनाइज, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं कि क्या रूल का नाम है, बस ये है कि रूल्स बनाए गए। लेकिन 2017 में रूल्स बना दिए गए, लेकिन अभी भी 2022 में 5 साल हो गए हैं और ये टारगेट इनका कोई भी प्रूफ पूरा नहीं हो पाया। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड क्या है दोस्तों, इसके बाद बारे में इन्होंने विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, आप इन इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं कि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की रिपोर्ट है जिसका टाइटल है बियॉन्ड रीजनेबल एकोमोडेशन, ये है रिपोर्ट का टाइटल। इसमें रिकमेंडेशंस दी गई हैं। क्या रिकमेंडेशंस हैं? न्यू बिल्डिंग एक्सेसिबल बिफोर इट ग्रांटेड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया 2021 मस्ट बी इंटीग्रेटेड। मतलब ये है कि कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले कि उसको उसका जो प्लान है उसको अप्रूवल म्यूनसिपैलिटीज़ को तभी देना चाहिए जब वो डिसेबल फ्रेंडली का सर्टिफिकेट हो, डिसेबल फ्रेंडली हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एक्सेसिबिलिटी कमेटी बाय द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली मे बी ए गुड रेफरेंस पॉइंट फॉर पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसेबल फ्रेंडली कमेटी बनाई है। और विधि की रिपोर्ट में क्या कहा गया है रिकमेंडेशन में?
सेंट्रल एंड स्टेट लेवल प्रोक्योरमेंट लॉज एंड पॉलिसीज मस्ट इनकॉर्पोरेट एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब जो सरकार खरीद करती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उन प्रोक्योरमेंट में इस चीज़ को, इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. चौथा क्या रिकमेंडेशन है, द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सनल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैज़ रिलीज्ड सुगम भारत ऐप. ये रिकमेंडेशन नहीं, बेसिकली इन्होंने बताया कि ये जो डिपार्टमेंट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, उन्होंने सुगम भारत ऐप जो है बनाया है टू इनेबल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ टू रिपोर्ट बिल्डिंग दैट इज़ इनएक्सेसिबल. ये ऐप बनाया है, लेकिन इस ऐप में बहुत सारी प्रॉब्लम है. अगर इसमें आप जेंडर नहीं डाल सकते हैं, इन्होंने बताया कि मैं एज अ ब्लाइंड पर्सन जो है इस ऐप को यूज़ कर रहा था तो मैं जो है स्टक हो गया क्योंकि सबमिट बटन हो ही नहीं रहा था सही से, मतलब बेसिकली ऐप काम नहीं कर रहा था, फंक्शनिंग जो है आपकी सही नहीं है. द डिपार्टमेंट मस्ट टेक अ लीड इन इंश्योरिंग दैट एक्सेसिबिलिटी टारगेट्स आर मेट. जो टारगेट बनाए जाएँ वो पूरे हों, ये ज़रूरी है. इस आर्टिकल में इतना ही था, आगे देखते हैं. अब जो है सुप्रीम कोर्ट की बात करी है इन्होंने. आर्टिकल आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कहानी जैसी है, इन्होंने ये गई पहले और ये बहुत ही फेमस लॉयर है मेनका गुरुस्वामी जी, तो ये लेक्चर में गई फिर अपने मम्मी पापा से मिली वगैरह वगैरह. लास्ट में इन्होंने ये बताया कि एट प्रेजेंट देयर आर 27 जजेस वर्किंग एट द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ए सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34. एट द हाई कोर्ट्स देयर आर ओनली 777 जजेस. तो बेसिकली 30% वैकेंसी है हाई कोर्ट्स में, और यहाँ भी 34 के सुप्रीम कोर्ट में 34 का सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन केवल 27 जजेस हैं अभी जो काम कर रहे हैं. तो जजेस की वैकेंसी है तो पार्लियामेंट को, मतलब पार्लियामेंट नहीं बेसिकली गवर्नमेंट को अप्रूवल जल्दी देना चाहिए, हमें जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, ये सब बातें हैं. और जो बाकी आर्टिकल्स हैं वो बहुत ही रिपीटेटिव हैं तो हम बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे उन्हीं का. एक्सप्लेन्ड वेज में तालिबान की बात करी गई है और ज़्यादा कुछ है नहीं. और ये पाकिस्तान के पोएट हैं इकबाल, जो कि मतलब बेसिकली इंडियन ही थे लेकिन पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के हो गए. तो उनका जन्म जो है कश्मीरी पंडित फैमिली से है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं क्योंकि ये पाकिस्तानी हो गए थे, लेकिन हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है. अभी इनकी कोई पोएम वोएम कहीं पर हो गया था तो उस पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन हमें इनके बारे में ये पता होना चाहिए कि 1938 में था और ये 1877 और 1938 तक थे. और ये जो है इनिशियली तो बहुत हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, लेकिन बाद के टाइम में माना जाता है कि पाकिस्तान जो एज अ नेशन है उसकी फिलॉसफी इन्होंने दी थी, इन्होंने स्टार्ट करा था. और जिन्ना के बहुत करीबी थे वगैरह वगैरह. सियालकोट पंजाब में पैदा हुए थे ये. और इनके वर्क्स क्या हैं, पोएट फिलोसोफर प्रमोटेड सेल्फ हुड एंड इंटेलेक्चुअल कल्चर और ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. ही इज कॉमनली रिफर्ड टू एज अलामा, इस्लामिक स्कॉलर इसे कहा जाता है. ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस इकबाल जी हैं. और वर्ल्ड न्यूज़ पे आ जाते हैं, पुतिन चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन के साथ वार एंड हो. जब एंड हो जाएगा तो हम देखेंगे, अभी तो बहुत बातें हैं ऐसे बातों का क्या है. प्रेसिडेंट इलेक्ट्स ब्राज़ील और ये सब, ज़्यादा कुछ का खास नहीं. पेरिस में शूटिंग हुई है, सस्पेक्ट अरेस्ट कर लिया गया है. और कुछ है नहीं, चाइना में बहुत ज़्यादा कोविड केसेस आ रहे हैं, आप लोगों को भी सावधानी की बहुत ज़रूरत है. तो दोस्तों ये मूवीज़ के रिव्यू हैं, इसमें भी UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मूवी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन आप माइंड को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो देख सकते हैं. ये मूवी बिल्कुल मत देखिएगा, 1.5 स्टार है. ठीक है दोस्तों, फिर अच्छा इकोनॉमी रह गया. इकोनॉमी में तो आज कुछ काम की खबर नहीं है. NDTV का शेयर, DGCA पैसेंजर में गेट अ फ्री फ्लाई इन कैश एंड वॉलंटरी डाउनग्रेड, ये सब UPSC में कुछ भी पूछने वाला नहीं है आपसे. ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.